अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी, इसमें आप लोग यस वाले हैं? मॉर्निंग के नहीं है अभी स्टूडेंट्स? एच एंड डी मॉर्निंग सुबह आप लोग हैं इसमें? मैम वो भी थे पहले, लेकिन जो आपने अब लिंक भेजा है शायद उधर चले गए सब। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? मैम एजेंडी वाली मैं हूँ, मैं ग्रुप में भेज देती हूँ ये वाला लिंक। मुझे समझ नहीं आ रही ये जीमेल से किस तरह से है, मेरे पर्सनल जीमेल से क्यों कनेक्टेड है। इसलिए कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में आपको उतना स्मार्ट हो जाना चाहिए। मैम जो आपने लिंक सोशल ग्रुप में भेजा ना, उसमें भी नहीं है, वो सारे क्लास में ज्वाइन किया है। ये वो डिफरेंट लिंक है मैम, आई थिंक वो आपकी ऑफिशियल आईडी से आ रहा है या आपकी मेरा पर्सनल मेल आईडी से। लेट मी चेक, उसमें कितने लोग हैं यार? इस तरह करते करते हमारा टाइम जो है ना गुजर जाता है। लेट मी चेक। वालेकुम अस्सलाम मैम। ये जिस मैम जी जी बोले मैम, एक्चुअली जो पहले लिंक आपने भेजा था स्टूडेंट्स ने वो ज्वाइन किए एचएनडी, उन्होंने भी हमने भी, और वो लीव करके फिर अब ये वाला ज्वाइन किया, उसमें एचएनडी वाले नहीं है। कौन सा वाला? वो मेरे ऑफिशियल अकाउंट से आया था जी मैम, वो दो थे, एक नहीं था ये लास्ट वाली, पहले भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, अभी भी वही हुआ है। अब हम कौन सा ज्वाइन करें मैम? मुझे खुद नहीं पता चल रहा, सॉरी टू से। ये इतने ज्यादा लिंक का इशू क्यों आ रहा है? मेरे पास कैजुअल किया हुआ है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। आप लोग जिसमें सारी क्लास है ना, एच एन डी और आप लोग, वो लिंक आप लोग मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको भी भेजती हूँ। ओके, मैं आपको भेजती हूँ। वालेकुम सलाम। के बाद मैम लिंक सेंड कर दिया, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। मैम ज्वाइन करने लगी थी। अच्छा नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मुझे वही कल वाला कंसर्न हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है उसमें, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। आप लोगों ने इन्विटेशन अपने ऑफिशियल अकाउंट से भेजा है, आप लोगों के पास पर्सनल ईमेल से कैसे चला गया? अब आप देखें कहाँ से ज्वाइन किया, मैक्सिमम जहाँ से भी करेंगे तो आप मुझे बता दें। मैंने ईएस वालों को भी कह दिया, मेरे ख्याल से लोग कर चुके हैं, 70 के करीब लोग आ गए हैं, आप भी फिर उससे ज्वाइन करें। ठीक है जी मैम, कौन सा वाला ज्वाइन करें? जो मैम से पूछते हैं, मुझे खुद नहीं पता क्या फाइनल लास्ट वाला। ओके ठीक है जी, थैंक यू। ओके ओके जी, क्लास इसी को कंटिन्यू करेंगे हम जी मैम। ओके जी, रियली रियली सॉरी गाइस, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, आई रियली डोंट नो, रियली सॉरी फॉर दिस। इट्स ओके मैम। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है आज? मैंने अपने पास जीमेल से सारा फंड स्केड्यूल कर दिया है, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या मसाइल हैं। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको कंप्लीट भी नहीं कर पाते हैं इसी एक प्रॉब्लम की वजह से। खैर मुझे शायद इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, छोड़ें। हमने कल कल्चर को कंप्लीट कर लिया, कल्चरल डाइवर्सिटी पे कल बात हुई थी हमारी,
आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोसाइटी को, सोसाइटीज पे बात करेंगे हम। कल्चर के हवाले से आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो अपने पास उसको नोट करके रखिए, क्लास के एंड पे अगर टाइम मुझे मिलेगा तो मैं एड्रेस कर दूंगी, वरना आप लोग मुझे ग्रुप में लिख दीजिएगा, हम वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम थोड़ा सा गुजर गया तो मैं नहीं चाह रही कि ये भी हमारा कंप्लीट ना हो। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सोसाइटी को, सोसाइटी क्या होती है और सोसाइटी किस किस तरह से कितनी मुख्तलिफ स्टेजेस से होते हुए आज वो है जिसमें मैं और आप मौजूद हैं, जिसमें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि कैसे किस लिंक से आप लोगों के साथ कनेक्ट होना है। लेकिन ये हम सब अपने अपने घरों में मौजूद थ्रू गैजेट्स, थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू डिफरेंट एप्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें कैसे हमारे सामने आ गई, किन किन स्टेजेस से सोसाइटी जो है गुजरते हुए आज इस स्टेज पे है कि कोविड की इस सारी सिचुएशन में हम सब अल्टीमेटली अपना गोल अचीव कर रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं उसको हम देखेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट किस हद तक सोसाइटी में अगर मौजूद होता है तो वो चेंज लाने का सबब बनता है, या किस तरह से सोसाइटी और कॉन्फ्लिक्ट इंटर रिलेटेड हैं, या किस तरह से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होता है। ठीक है जी, सोसाइटी को देखेंगे, टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे सोसाइटी के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ेंगे सोसाइटी के साथ। सोसाइटी एक्चुअली में होती क्या है, किसको कहते हैं हम सोसाइटी, आप लोगों से अब नहीं पूछूंगी क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम होता तो जरूर पूछती। सोसाइटी स्लाइड की तरफ मूव करने से पहले आप लोगों से मैं सिंपल बताऊंगी, सोसाइटी हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो किसी कॉमन टेरिटरी को शेयर कर रहे हों, किसी कोई उनकी ज्योग्राफिकल एरिया उनका सेम हो, उनकी वही फीलिंग्स हों एक दूसरे के लिए, किसी फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया उनका सेम है, कल्चर उनका सेम है, वही फीलिंग्स हैं उनकी एक दूसरे के लिए। वही फीलिंग्स का क्या मतलब होता है, एक दूसरे के साथ कुछ एसोसिएशन रखना, एक दूसरे को जानते होना, एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। ठीक है जी, इंटरेक्ट जब हम करते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली एक दूसरे के लिए वही फीलिंग्स क्रिएट होती हैं, एक एसोसिएशन का फील हमारा एक दूसरे के लिए डेवलप होता है। तो सोसाइटी वो एक प्लेस होगी जहाँ पे मुख्तलिफ तरह के लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिल्ड किए हुए हैं। रीज़न क्या है उसकी, to share a common culture, to live together, to have a feeling of association, to have some feeling of accommodation, to have some feeling of affection, to have some feeling of love. ठीक है जी, ये होती है हमारे पास सोसाइटी। अब स्लाइड पे चलते हैं। सोसाइटी रेफर्स टू पीपल हु इंटरेक्ट इन अ डिफाइंड टेरिटरी एंड शेयर ए कल्चर। सोसाइटी इज अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया हैविंग अ कॉमन कल्चर एंड हैविंग फीलिंग ऑफ एसोसिएशन। ये कोई इतने कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है, या सोसाइटी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सबको पता है। ठीक है जी, पाकिस्तान एक जी किसी ने एक्चुअली मैं अब ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है ना, यही तो मसला हुआ है। मैं अपने पास वैसे इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर दूंगी, ये चूंकि जब जीमेल का पर्सनल अकाउंट होता है तो उससे जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही होती हूँ वो आप लोगों को शो नहीं होती। ठीक है जी, रिकॉर्ड मैं इसको कर रही हूँ। आप लोगों को लेक्चर सीटीएस से आप लोगों की इजीली एक्सेस होती है, आप लोग पीपीटीज या वो ले लेते हैं, वहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं होता मैम। ठीक है जी, क्योंकि मैं मेरे लिए थोड़ा सा ये आसान रहता है कि मैं सिर्फ वहीं अपलोड कर दूं, लिंक भी वहीं शेयर कर दूं, आप लोग जिसको चाहिए हो आप वहां से ले लें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो सिर्फ एग्जाम में ही चाहिए होता है, तो लेकिन अगर जिसको पहले भी चाहिए हो तो वो वहां से ले ले। ठीक है जी, तो क्या है सोसाइटी,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब जानते हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी है, वेस्टर्न सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, मलेशियन सोसाइटी है, ये सारी सोसाइटीज क्या हैं जी। वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपना एक कॉमन कल्चर रखते हैं, जियोग्राफिकल टेरिटरी उनकी सेम है, कॉमन इंटरेस्ट है उनके, वही फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। माइक और डोनल कहते हैं सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू ग्रुप्स विच मे वेरी इन साइज। गिडेंस कहते हैं सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी आर सब्जेक्ट टू अ कॉमन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड आर अवेयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी फ्रॉम अदर ग्रुप्स अराउंड देम। पाकिस्तानी सोसाइटी में जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडियन सोसाइटीज से डिफरेंट हैं, सो दैट्स व्हाई हम एक दूसरे से यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ यूजेजेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड मैनी ग्रुपिंग्स द डिवीजन ऑफ कंट्रोल्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑफ लिबर्टीज दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी। सोसाइटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों के पास डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली कोलैप्स करते हुए, म्यूचुअली कोऑपरेट करते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन बिहेवियर्स हैं जो कि सोसाइटी को एज अ सिस्टम चला रहे होते हैं। ये सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, ये जो सारी चीजें हैं ये सोसाइटी है। सोसाइटी में जब सोशल रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स क्या हैं, जब डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं उनको जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स रन कर रहे हैं इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली दे ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। हर एक इंस्टीट्यूशन के इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, तो ये सोशल रिलेशनशिप्स का वेब है। रिजल्टेंटली ये सारी चीजें, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारी सोशल लिविंग, ये सारे ग्रुप बिहेवियर, ये सारे इंडिविजुअल बिहेवियर्स, ये सब सोशल प्रॉब्लम्स, ये सब लिबर्टीज, ये सब चीजें अल्टीमेटली एक सोसाइटी में हो रही होती हैं। अब क्या है जी, हम ह्यूमन सोसाइटीज के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स को सामने रखते हुए। ये सारा डेटा मैंने लिया है जॉन मैशनीज के बुक से, वो बुक मैंने आपके साथ शेयर की है। उस बुक में क्या है जी, उन्होंने डिफाइन किया है, वो ये कहते हैं कि सोसाइटीज हमारे पास जब टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए मूव की हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं, तो सोसाइटी आज हमारे सामने है। तो सोसाइटी को जब टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं तो आपने अपने माइंड्स में ये सेट कर लेना है कि जेरहार्ड लेंस्की का कॉन्सेप्ट आप लोग रखेंगे। जेरहार्ड लेंस्की वो इंसान है, वो सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोसाइटी में डेवलपमेंट जो हुई है उसको ये कहा है कि सोसाइटी में जो भी चेंज, जो भी डेवलपमेंट, जो भी मॉडिफिकेशंस हुई हैं वो टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से हुई है। दूसरे हमारे पास हैं जी कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, इस वजह से सोसाइटी चेंज हुई है। सोसाइटी में जिसके पास है वो ज्यादा है, जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल नहीं है। पावर, वेल्थ, अथॉरिटी, ये सारी चीजें एक लिमिटेड सेगमेंट के पास हैं, अदर रेस्ट ऑफ द सेगमेंट जो है वो बेचारे मार्जिनलाइज्ड वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। वो जो वल्नरेबल ग्रुप आवाज उठाता है अपने राइट्स के लिए, तो तब जो एक चेंज क्रिएट होता है वो सोसाइटी में चेंज लाता है, ये हमें कार्ल मार्क्स बता रहे हैं। कार्ल मार्क्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो आप लोगों के लिए आसानी होगी। बाकी तीसरे हमारे पास हैं जी मैक्स वेबर, वो कहते हैं कि हर सोसाइटी में जो चेंज आता है, सोसाइटी जब ट्रेडिशनल थिंकिंग से, ट्रेडिशनल वे से, ट्रेडिशनल अप्रोच से रैशनैलिटी की तरफ जब आती है, ट्रेडिशन से रैशनल हुए हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से हमने रैशनैलिटी को जब अडॉप्ट किया है तो तब सोसाइटी में चेंज आया है। ये हमें कौन कह रहे हैं, मैक्स वेबर।
यहाँ पे चार थिंकर्स थे, मैंने सिंपल आप लोगों के लिए तीन लिए हैं ताकि चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो। जेरहार्ड लेंस की जो है वो इस वजह से लिए हैं क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बताया कि सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आए, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे एडवांस हुई, तो आज हम पोस्ट इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरा में हैं। लेंसकी को लेने का ये रीजन है। बाकी कार्ल मार्क्स चूंकि हमने अपने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जब पढ़ी है तो तब हम एक बड़ी अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग कार्ल मार्क्स के काम के बारे में कर चुके हैं। तो कार्ल मार्क्स को लेने का रीजन ये है कि वो ये कहते हैं कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट तब ही रेज हो गया था जब जिसके पास ज्यादा था और जिसके पास कम था उनके बीच में एक स्ट्रगल जब सामने आई थी, तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट हमारी हिस्ट्री से मौजूद है, कार्ल मार्क्स जो कहते हैं। बाकी मैक्स वेबर ये कहते हैं कि सोसाइटी में चेंज तब आया था जब क्या हुआ था, सोसाइटी रेशनलाइजेशन में मूव कर गई, रेशनैलिटी को फोकस कर दिया, चीजों पे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, लॉजिक एंड रीजनिंग फाइंड की, कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी किया, चीजों को एज इट इज लेने से रिफ्यूज कर दिया। मैक्स वेबर कहते हैं दिस इज द पावर ऑफ आइडियाज दैट शेप सोसाइटी। वेबर कंट्रास्टेड दैट ट्रेडिशनल थिंकिंग ऑफ सिंपल सोसाइटीज विद अ रैशनल थॉट दैट डोमिनेट्स कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज टुडे। लेंस्की, लेंस्की के काम को क्या जी वो कहते हैं कि ये फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ, वो कहते हैं कि अगर हम ये कह दें कि सोसाइटी जो आज हम हैं अगर ये पहले ही ऐसी थी तो वो बेचारे पागल जो खाना बदोश सहरा में घूमते रहे हैं अपनी जिंदगियों को बेहतर करने के लिए, अपने फूड्स कलेक्ट करने के लिए, तो वो पागल थे अगर उनके पास ये सारी जो आज इन्वेंशन और इनोवेशन हैं, जो फैसिलिटीज हम इंजॉय कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें तब भी थी तो वो फूल थे, वो इडियट थे कि वो खुद को जो जंगलों में और सहराओं में भटकाते फिर रहे थे। सो लेंस के क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं मेंबर्स ऑफ आवर सोसाइटी हु टेक थिंग्स दैट लाइक टेलीविजन एंड डेस्क फॉर ग्रांटेड मस्ट वंडर एट द नोमैड्स ऑफ सहारा हु लिव द सेम सिंपल लाइफ दैट एंसेस्टर्स डिड सेंचुरीज अगो। द वर्क ऑफ जेरहार्ड लेंस्की, जेरहार्ड GERHARDLENSKI, बोलना नहीं है आपने, ये जेरहार्ड लेंस की हेल्प अस। जब भी जेरहार्ड लेंस की का नाम आएगा आप लोगों के अजीम दिमागों में फौरन से ये चीज आ जानी चाहिए कि यहाँ हमने टेक्नोलॉजी की बात करनी है। ठीक है जी, हेल्प अस अंडरस्टैंड द ग्रेट डिफरेंसेस अमंग सोसाइटीज दैट हैव एग्जिस्टेड थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। लेंसकी ने एक टर्म यूज किया जी सोशो कल्चरल एवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है जी, चेंजेस दैट अकर एज अ सोसाइटी गेन्स न्यू टेक्नोलॉजी। लेंसकी ने टर्म यूज किया सोशो कल्चरल एवोल्यूशन। माइट बी मैं कल आप लोगों से पूछ लूं एग्जाम में किसी क्विज में कि सोशो कल्चरल एवोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया, इसका मीनिंग क्या है। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों से कह रही हूँ चीजों को थोड़ा सा लिंक रख के सोचें कि जेरहार्ड लेंस की टेक्नोलॉजी, लेंस की कौन है जी जिसने टेक्नोलॉजी की बात की है। क्या कहते हैं जी कि जब सोसाइटी में नई टेक्नोलॉजी आती है तो सोसाइटी में चेंज आता है, सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन से ये मुराद है। लेंस की के जब काम को देखें तो उन्होंने जी पांच सोसाइटीज को इंट्रोड्यूस कराया है, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी जेरहार्ड लेंस्की ने बताया, उसमें जो उसने सोसाइटीज की टाइप्स बताई हैं वो आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सोसाइटीज किस तरह से इवॉल्व हुई, किस तरह से सोशल ट्रेंड्स उन्होंने सेट किए वो बताएं। अगर ये पूछा जाएगा तब भी ये फाइव सोसाइटीज लिखेंगे, सोसाइटीज की टाइप्स बताएं तब भी ये आएंगी, सोसाइटीज की काइंड्स क्या हैं तब भी ये आएंगी। जेरहार्ड लेंस्की ने टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस कैसे आए, तब भी ये फाइव टाइप जो है सोसाइटीज की आएंगी। सो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जेरहार्ड लेंस के काम जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से है और उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्नोलॉजी से रिलेट किया है सोसाइटी को,
उससे बाद उन्होंने उसकी सोसाइटीज की टाइप्स बताई हैं। पांच टाइप्स हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग, हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल, एग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, पोस्ट इंडस्ट्रियल। बहुत सारी बुक में ये जो सेकंड है हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल, इनको डिफरेंट डिफरेंट लिखा होता है। चूंकि मैंने डेटा मैशोनिस के बुक से लिया है, वहाँ पे इकट्ठी लिखी हुई थी, तो मैंने भी इसको कलेक्टिव रहने दिया। इसको सेपरेट यूजली इस वजह से भी नहीं लिखा जाता क्योंकि इनका एरा सेम है। हॉर्टिकल्चरिस्ट और पेस्टोरलिस्ट जो हैं वो तकरीबन सेम एरा के लोग थे, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स इनके थोड़े फर्क थे, करते के जरा फर्क तरीके से चीजें थी, लेकिन इनका एरा सेम था, इस वजह से इनको यूजली इकट्ठा लिखा जाता है। हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज, आप नाम से ही देख लें जी, ये वो बेचारे गरीब लोग थे। जब ह्यूमन सोसाइटीज स्टार्ट हुई, ह्यूमन सोसाइटीज इवॉल्व होने लगी, सोशल ट्रेंड सेट होने लगे, ये वो लोग थे जो अपनी फूड के लिए हंट करते थे, अपनी खुराक इकट्ठी करने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। बाकी क्या करते थे, चूंकि ये लोग जंगलों में रहते थे, जंगलों में खैमे बना के या जंगलों में दरख्तों के नीचे, या उनके लिविंग पैटर्न्स इस तरह से थे कि वो जानवरों के साथ, अगर मैं कुछ ज्यादा बुरे लफ्ज नहीं बोलूँ, तो जानवरों के साथ जानवरों की तरह ही रहते थे। सिंपल टूल्स यूज करते थे, वो सिंपल टूल्स क्या थे कि दरख्त की टहनी उतार ली, उस टहनी को तीर के तौर पे इस्तेमाल किया जिससे जानवरों का शिकार किया जा सके। वो अगर थोड़ी मोटी टहनी होगी तो वो एक नेजे के तौर पे इस्तेमाल किया, आगे से उसको शार्प कर लिया ताकि वो क्या किया जाए, जिससे जानवरों का शिकार कर सके। हंटिंग एंड गैदरिंग, द यूज ऑफ सिंपल टूल्स टू हंट एनिमल्स एंड गैदर वेजिटेशन फॉर फूड। ये क्या है जी, हिस्टोरिकल पीरियड, ओनली टाइप ऑफ सोसाइटी अंटिल अबाउट 12,000 इयर्स अगो, स्टिल कॉमन सेवरल सेंचुरीज अगो, द फ्यू एग्जांपल्स रिमेनिंग टुडे आर थ्रेटन्ड विद एक्सटेंशन। ये जो है जी अफ्रीका के जंगलों में अभी भी ये हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज के थोड़ी सी चीजें, या थोड़े से लोग, थोड़ी सी सोसाइटीज को रखने वाले लोग हमारे पास मौजूद है। टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी को ये यूज करते थे, प्रिमिटिव वेपन्स थे, मैंने आपको बताया कि छोटे से छोटे औजार अपने पास वो बना लेते थे जिसके थ्रू उन्होंने हंट करना होता था। पॉपुलेशन साइज इनका बहुत कम होता था, 25 से 40 लोग होते थे। सेटलमेंट पैटर्न इनका ये था, नोमैडिक थे, जहाँ फूड नजर आया, जहाँ जिस इलाके में ज्यादा खुराक थी, फूड था, पौधे थे, फल थे, वहां पे रुक गए। इनकी फीमेल्स जो थी वो करीब करीब के दरख्तों से, पौधों से फूल फल सब्जियां इकट्ठी करती थी, जबकि जो मर्द थे वो थोड़े जंगलों में दूर दराज इलाकों में जाते थे, जहां से जाके वो जानवरों का शिकार करके लाते थे। इन इनमें सोशल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, हम ये भी कह सकते हैं कि मौजूद ही नहीं था। जो वो चीज़ें लाते थे, मिल के बैठ के खाते थे, जिस एरिया में, जिस जगह से वो चीज़ें ख़त्म होगी वो आगे मूव करके, देवर नोमैडिक इन सेटल पैटर्न्स, खाना बदोश थे, आगे से आगे मूव कर जाते थे। फैमिली सेंटर्ड थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मिल के रहते थे, जो चीज़ें होती थी इक्वली शेयर करते थे। एज और सेक्स के हवाले से क्या था जी, कि जो भी छोटे बच्चे उनके थे, जो भी उनके सीनियर सिटीजन थे, उनको घरों में महदूद रखा जाता था, उनसे यूजली काम नहीं करवाया जाता था। फीमेल्स वेजिटेशन में इन्वॉल्व होती थी और मेल्स जो हैं वो एनिमल्स को हंट करने के लिए। ये पिक्चर्स हैं जी, ये हंट हट के करीब देख लें, जो उनकी झोंपड़ी है उसके करीब सीनियर सिटीजन हैं और या जो छोटे बच्चे हैं वो मौजूद हैं, और वो जो मेल्स हैं वो जानवरों का शिकार करके ला रहे हैं, फीमेल्स जो हैं वो ये कोई नट्स फूड कलेक्ट कर रही हैं रिगार्डिंग वेजिटेबल्स। इस पिक्चर में क्या दिखाया गया जी, वो जैसे हंट करते थे, जैसे मैंने आपसे कहा है कि दे हैव मोर रिजेम्बलेंस लाइक एनिमल्स, उनके आप ड्रेसिंग पैटर्न देख लें, वहीं से पत्ते उठा के पहन लेते थे अपने जिसमें पे कोई ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट नहीं था, और बहुत सारी रिसेम्बलेंस उनकी जानवरों जैसी थी। हॉर्टिकल्चर एंड पेस्टोरल सोसाइटी, इंसान थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, तो उसने क्या किया, उसने
ये सोचा कि जो फल मैं खा रहा हूं उसमें से जब नीचे उसका बीज गिरा तो थोड़े टाइम के बाद जब उसमें से कोई शाख निकली, उस शाख से जब एक पौधा बना, या जो भी कोई वो फल था वो ग्रो कर गया, तो क्या था जी, ये एक उनके सामने कॉन्सेप्ट आया कि इस एक चीज से दूसरी चीज भी बनाई जा सकती है। जबकि पहले जब वो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में थे तो जिस इलाके से या जिस जगह से फूड खत्म हो जाता था वो दूसरी जगह मूव कर जाते थे। जबकि हॉर्टिकल्चरिस्ट में थोड़ा सा इतनी कॉन्शियसनेस आई, क्या आई कि उन्होंने क्या किया, वो जो बीज गिरा अनकॉन्शियसली, या उन्होंने उससे ये आइडिया डेवलप किया कि हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सिंपल टूल्स जो थे, हैंड टूल्स, उन्होंने क्या हैंड टूल्स क्या थे जी, के सिंपल स्टिक्स बना लिए डिगिंग के लिए, बेल से बना लिए लकड़ी के, तो इस तरह से चीजें उन्होंने बना ली जिसके थ्रू वो अपनी क्रॉप्स को रेज कर सके। हॉर्टिकल्चर में क्या है, द यूज ऑफ हैंड टूल्स टू रेज क्रॉप्स, आप अपने हाथों से क्रॉप्स को रेज करते हैं। और पेस्टोरलिज्म में क्या है जी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इंसान ने जब ये सोचा कि मैं जब शिकार करने के लिए जाता हूँ तो हर दफा मुझे शिकार नहीं मिलता, मुझे बहुत दिन भूखा रहना पड़ता है क्योंकि जानवर मौजूद नहीं होते, मुझे चीजों से आगे से आगे मूव करना पड़ता है, मुझे बहुत दफा वेजिटेबल्स फ्रूट्स पे रिलाय करना पड़ता है अपनी फूड के लिए। तो क्या है जी, उसने जानवरों को इकट्ठा कर लिया। जब उसने अपने पास जानवर इकट्ठे किए तो वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 हो गए। तो उसने जानवर पालना शुरू कर दिया अपने पास। यहां से डोमेस्टिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है। हॉर्टिकल्चरलिस्ट ने क्रॉप्स हैं वो उगाई, और पेस्टोरलिस्ट ने क्या किया, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हिस्टोरिकल पीरियड फ्रॉम अबाउट 12,000 years ago विद डिक्रीजिंग नंबर्स आफ्टर अबाउट 3,000। प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इनकी क्या है जी, दे यूज हैंड टूल्स फॉर कल्टीवेटिंग प्लांट्स। और पेस्टोरल सोसाइटीज जो हैं इनकी बेस है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पॉपुलेशन साइज में सेटलमेंट ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल, हंटिंग एंड गैदरिंग वाले 25 से 40 लोग थे, आगे से आगे मूव कर देते थे, जो बीमार है मर गया वो वहीं रह गया, वो आगे चले गए। जबकि यहाँ पे थोड़े से कॉन्शियस हो गए, इनकी पॉपुलेशन सेवरल हंड्रेड में हो गई और वो एक दूसरे के साथ थोड़े से स्ट्रॉन्ग टाइज के थ्रू कनेक्ट होने लग गए, इसमें जो कि आहिस्ता आहिस्ता सेवरल थाउजेंड पीपल में फॉर्म कर गए। इनका सेटलमेंट पैटर्न्स क्या थे जी, हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट्स में थे, पेस्टोरलिस्ट नोमैडिक थे। स्टिल वो परमानेंट सेटलमेंट्स में क्यों थे, क्योंकि उन्होंने जमीन में बीज उगाना शुरू किया, उन्होंने जो है फसलें उगानी शुरू की, जो भी फल फूल पौधे उन्होंने उगाने शुरू किए। सो जिस जगह पे बीज बोया होगा वहीं से ही वो अपने फूड प्रोड्यूस करेंगे। सो दैट्स व्हाई वो परमानेंट सेटलमेंट में मूव करके परमानेंट रहने लग गए जहां भी थे। पेस्टोरलिस्ट स्टिल नोमैडिक थे, जानवर उठाए आगे चले गए, जिबा किया अपनी भेड़ बकरियों का दूध पिया, जब फूड के लिए उनको जिबा किया, खाया काटा खा लिया, ठीक है जी। तो क्या है कि वो स्टिल नोमैडिक थे, मूव कर जाते थे आगे से आगे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, फैमिली सेंटर, रिलीजियस सिस्टम बिगिंस टू डेवलप, मॉडर्न स्पेशलाइजेशन इंक्रीज सोशल इनइक्वालिटी। वहां पे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में उनका रिलीजियस बिलीव्स थे, रिलीजियस बिलीव्स बहुत लिमिटेड थे, उनका एक राजा कह सकते हैं या उनका वो सिखाने वाला, उसको शमन कहते हैं, SHAMAN, शमन। लेकिन उसका भी फूड कलेक्ट करने का वही प्रोसेस था, वो सिर्फ इतना फर्क था कि वो थोड़ा सा वकार और प्रेस्टिज, वकार में थोड़ा सा उनसे ऊपर था, बाकी उसके लिविंग पैटर्न्स वही थे। बाकी क्या है जी, इसमें सोशल रिलीजियस सिस्टम्स
डेवलप होने लग गए, थोड़ी सी सोशल इनइक्वालिटी आ गई। इनइक्वालिटी कैसे आ गई जी? हॉर्टिकल्चर और पेस्टोरल में डिफरेंस आ गया, वो फसलें उगाने लग गए, वो जानवर पालने लग गए, वो वहाँ सेट होके एक जगह पे बैठ गया, वो बेचारे खाना बदोशों की तरह अभी भी घूम रहे थे, तो सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज होने लग गई। ये देख लें जी, हॉर्टिकल्चरिस्ट जो थे वो ये छोटी छोटी क्रॉप्स उगा रहे हैं, पास ही उनके घर हैं, उन्हीं घरों में रह रहे हैं। बाकी ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं जी, अपने एनिमल्स को मूव कर रहे हैं एक से दूसरी जगह। एग्रेरियन सोसाइटीज, एग्रेरियन सोसाइटीज में क्या किया जी, इंसान ने जानवरों से खेती बाड़ी शुरू कराई, खेतों में हल चलाना। अभी ये इवनिंग की क्लास में मुझे ये टर्म नहीं आ रही थी, तो वहां पे उनके सीआर ने मुझे उसमें हेल्प आउट किया। आई डोंट नो कैसे स्किप हो गई, या मुझे फ्लो, हाउ वी कैन फ्लो, इसको प्रोनाउंस उर्दू में कैसे कर सकती हैं जानवरों के लिए। तो हम हल चलाते थे जानवरों की मदद से, उससे हम क्या करते थे, एग्रेरियन सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट तब आते हैं जब हम जानवरों को दी फील्ड्स में खेती बाड़ी के पर्पजेस में यूज करते थे। एग्रेरियन सोसाइटी में लार्ज स्केल कल्टीवेशन यूजिंग प्लॉज हार्नेस टू एनिमल्स और मोर पावरफुल एनर्जी सोर्सेस। उस जानवरों के पीछे वो एक लकड़ी का एक बड़ा सा बनाया होता था, उसके जैसे हम अगर देखें, अगर बेलचे का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के पास हो, बेलचे की थिंकिंग हो, तो वो जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं, वो शार्प से उसके एजेस होते हैं, उन एजेस से मिट्टी की खुदाई होती है, और उसमें जो है जो भी क्रॉप्स लगाना चाह रहे हैं वो होती हैं। तो क्या है हिस्टोरिकल पीरियड, ये है दिस इज मोर अबाउट फ्रॉम 5000 years अगो विद लार्ज बट डिक्रीजिंग नंबर्स टूडे। प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इनकी है जी, एनिमल ड्रॉन फ्लो पॉपुलेशन साइज, ये जो है मिलियंस ऑफ पीपल हैं, वो हंटिंग एंड गैदरिंग 25 से 40, ये हमारे 25 से 40, वो हो गए हंड्रेड्स में, ये हो गए मिलियंस में। इनके सेटलमेंट पैटर्न्स क्या हैं, यहाँ से सिटीज का कॉन्सेप्ट इमर्ज होना शुरू हुआ, लोग सिटीज की तरफ मूव करने लग गए, लेकिन एक स्मॉल प्रपोर्शन थी लोगों की, एक बड़ी छोटी सी पॉपुलेशन थी जो सिटीज की तरफ आने लग गई। इसमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट रिलीजियस पैटर्न्स थे, फैमिली ने जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी खो दी। किस तरह से, क्योंकि जब हम खेती बाड़ी करते थे थ्रू सिंपल टूल्स, तो वो एक फसल उगा ली, उसको खा लिया पेस्टोरलिस्ट ने, जानवरों को जिबा किया, उनको खा लिया, उनका दूध पी लिया, तो दे हैव नो मोर और एक्स्ट्रा वर्क टू डू, वो उन्हीं चीजों में वहीं बैठ के मसरूफ हो गए, काम करते रहे, और एक दूसरे के साथ फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग थी। जब एग्रेरियन में आ गए तो फैमिली टाइज थोड़ी सी वीक हो गई, हर कोई अपने डिफरेंट कामों में लग गया। इस में थोड़ा सा हमारे सामने पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज होने लगे। इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या है जी, कि जब हम ह्यूमन लेबर भी उसमें आ रही है, उस वो जानवर अकेला तो मूव नहीं कर रहा, वो क्या कहते हैं कि जैसे तैसे करके भी जानवर जानवर ही है, उसको बताना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है कि उससे क्या काम लेना है, उसमें ह्यूमन लेबर भी इन्वॉल्व है, उसमें उस एनिमल्स को भी हम यूज कर रहे हैं। तो एग्रेरियन सोसाइटीज में क्या है, हम थोड़े से बड़े पैमाने पे काम करने लग गए, इसका पॉपुलेशन साइज भी बढ़ गया, फैमिली टाइज थोड़े से वीक हो गए, रिलीजियस स्ट्रॉन्ग ज्यादा हो गए, डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो ग्रेजुअली हमारे सामने यहाँ पे सामने आए। सोशल इनइक्वेलिटी यहाँ पे ज्यादा होती गई टाइम टू टाइम। ये जो है जी, ये एग्जाम्पल्स हैं एग्रीकल्चरलिस्ट की, एग्रेरियन सोसाइटीज में जो लोग थे जो जानवरों से काम लेने के बाद, क्योंकि वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जमीन को
नरम करने के लिए और डिगिंग के लिए हम उनको करते थे, उसमें जो वो बेलचे की तरह का जो एक इंस्ट्रूमेंट सा बनाया होता था उससे वो लैंड को सॉफ्टन करते थे। तो क्या है उसमें फिर जो भी क्रॉप्स या जो भी हमने सीड्स लगाने होते थे उसमें ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व है, और ये उसी की इमेजेस हैं जो वो फीमेल्स और मेल्स कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में क्या हुआ है जी, एग्रीकल्चर से हम मूव कर गए हैं इंडस्ट्रीज में। लोगों ने रिप्लेस कर दिया है लोगों को मशीन्स ने। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे सामने आ गया है जिसमें ढेरों ढेर चीजें हमारे सामने मौजूद हैं। सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में सामने आते हैं। दूसरा क्या है जी कि सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग होता है। एग्रीकल्चर के बाद जब इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, लोग अपने रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ मूव करते हैं, वहाँ लगी हुई फैक्ट्रीज में खुद को एम्प्लॉयड कराते हैं, अकॉर्डिंगली स्किल्ड होते हैं, अपने टैलेंट्स को उसी के मुताबिक मॉडिफाई करते हैं। तो सिटीज, मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि एक खुली जगह पे जब लोगों ने आके रहना शुरू कर दिया, रहना एक ग्रुप दूसरा ग्रुप पूरी एक कम्युनिटी सेट हुई, तो फिर उसके बाद वहां पे सोशल इंस्टीट्यूशंस भी लगाने पड़े। जब हमने कार्ल मार्क्स का काम डिस्कस किया था उसमें, तो क्या है जी कि इंडस्ट्रियलिज्म में द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग एडवांस्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू ड्राइव लार्ज मशीनरी। हिस्टोरिकल पीरियड है इनका जी, दिस इज फ्रॉम 1750 टू स्टिल। प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है एडवांस्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। पॉपुलेशन साइज है इनका मिलियंस ऑफ पीपल। याद रखना है आपने किस सोसाइटीज की कितनी पॉपुलेशन थी। सबसे कम पॉपुलेशन हंटिंग एंड गैदरिंग वाले थे, उससे बाद हॉर्टिकल्चर पिस्टोरलिस्ट जो थे वो हंड्रेड्स में हुए, हंड्रेड से ऐसा ऐसा थाउजेंड्स में, और उसके बाद से अब हम मिलियंस में मूव कर रहे हैं। पॉपुलेशन साइज मिलियंस ऑफ पीपल। सेटलमेंट पैटर्न है इनका, सिटीज कंटेन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जी, दीज आर डिस्टिंक्ट रिलीजियस पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजुकेशनल एंड फैमिली सिस्टम्स। हाईली स्पेशलाइज्ड मार्क्ड सोशल इनइक्वालिटी परसिस्ट्स, लेसनिंग समवट ओवर टाइम। इस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में जब हम मूव करते हैं तो इनइक्वालिटी अपनी पीक पे है। इस टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज लगी, जिसके पास पैसा था, इसको आप कार्ल मार्क्स के सीन में भी देखेंगे। आप ये सोच लें कि हम दोनों चीजों को इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या है जी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास आया है जिसके पास पैसा था, या जिसने इवनली अनइवनली जब फूड और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो उसने वो उठा लिया और उसने इन्वेस्टमेंट करके उससे और बहुत सारी चीजें जनरेट कर ली हैं। तो इनकम जो है, पैसा जो है, बड़े एक लिमिटेड हाथों में चला गया। वो अपने एक लग्जरियस लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं, और इस के कंट्रास्टिंग वो लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेबर क्लास है वो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी लंदन की गलियों में जमीनों पर सोए हुए हैं, उनके पास बड़ा एक लिमिटेड सा फूड है, बीमारियों से मर रहे हैं, कॉन्शियस नहीं है, पैसा नहीं है खुद पे लगाने के लिए। तो उस टाइम में कार्ल मार्क्स ने क्या किया जी, वो कॉन्शियस हुए, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ऐसा है, क्यों सोसाइटी में दो क्लासेस मौजूद हैं, जिसके पास है वो बहुत ज्यादा है, जिसके पास नहीं है बहुत कम। ठीक है, तो क्या है जी कि उस टाइम में जो मैंने आपको बताया कि दो क्लासेस इंट्रोड्यूस कराई बोर्ज्यू से, एलीट क्लास और प्रोलेटरियाट, हमारी वर्किंग क्लास। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं ये। इंडस्ट्रीज लगी हैं, वहां पे डिफरेंट मशीन्स पे डिफरेंट तरह के लेबरर्स जो हैं वो अपने अपने कामों में इन्वॉल्व हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, हम सब इसी दौर के लोग हैं, पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म में रहने वाले। जब हमारे सामने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, जब
महीनों में होने वाला काम, दिनों से दिनों में होने वाला, घंटों में और घंटों से होने वाला, मिनट्स और मिनट्स के बाद सेकंड्स में होता है। जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीजों को बड़ा आसानी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, कोविड के सिनेरियो में जब हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, हम एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, तो हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते फिजिकली, तो हम इस पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के मेंबर होते हुए इसमें जो इन्वेंशंस हुई हैं उसमें इनोवेशंस को एंजॉय करते हुए हम चीजों से फायदा उठा रहे हैं। पोस्ट मैम एंजॉय तो नहीं कर रही, सॉरी मैम एंजॉय तो नहीं कर रही, मजबूरन कर रही। अच्छा जी, तो क्या है जी कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हिस्टोरिकल पीरियड इसमें है, इमर्जिंग इन रीसेंट डिकेड्स। प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसमें क्या है जी, कंप्यूटर्स दैट सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड इकोनॉमी। हर चीज पे कंप्यूटर साहब मौजूद हैं। हमने मेडिसिन ले ली है, उसका बिल सॉफ्ट में है हमारे पास। मैंने सारे नोट्स आप लोगों के साथ सॉफ्ट में शेयर किए। अगर आप लोगों को हार्ड में भी बुक्स चाहिए, मुझे अभी याद आ गया, तो आप लोग मुझे बता दीजिए। इन बुक्स के अलावा इजी बुक्स हैं जो पाकिस्तानी राइटर्स की हैं, एक दो बुक्स हैं, अगर आप लोग वो रीड करना चाहते हैं तो मैं उनके नाम भी बता दूंगी। आप लोग वो उर्दू बाजार से या लाहौर में किसी भी मार्केट से या अपने एरियाज में जहाँ भी आप रहते हैं आप लोग ले सकते हैं। तो क्या है जी, चीजें जब हमारे पास हमारे हाथों में सॉफ्ट फॉर्म में आ गई हैं, चीजें बड़ी आसान हो गई, तो वो टाइम था जी पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म का, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज। ये एक पिक्चर में कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, इससे भी अब तो बड़ा एक प्रिसाइज सा सिस्टम हमारे पास मौजूद है। और ये पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट या पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म में इस तरह की हमारे पास हैं इंडस्ट्रीज, ये फेसबुक है, ये गूगल है, ये अमेजोन है, ये आईफोन है, ये हमारे पास हमारी यूट्यूब है। ठीक है जी, कार्ल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आप लोगों को बड़ी हद तक उसमें भी बताया है, थोड़ा सा और बता देती हूँ। क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है जी, जब स्ट्रगल होती है दोनों सेगमेंट्स के दौरान लिमिटेड रिसोर्सेज पे, वो कहता है मेरा, वो कहता है मेरा, वो एक कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है। कंपटीशन जब सोसाइटी में मौजूद होता है तो वो क्या होता है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट। कैपिटलिस्ट कौन है जी, वो जो पैसा लगा रहा है, जो बिजनेस रन करवा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैपिटलिस्ट को हम बोर्ग्यूसे भी कहते हैं। और प्रोलेट्रियंस कौन है जी, जो अपनी लेबर कर रहे हैं फॉर देयर वेजेस, पैसा कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कौन से हैं जी हमारे सामने, आप सबको पता है, फैमिली, हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी। और इसमें सोशल इंस्टीट्यूशंस में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमी जो है वो मेजर सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसकी बेसिस पे किसी भी सोसाइटी में चीजें सेट होती हैं। इकोनॉमी उसकी अच्छी होगी तो उसका एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसका फैमिली, ओवरऑल सारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। किस तरह से, जितना पैसा, जितना बजट सेट किया जाएगा किसी एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए, तो फॉर एग्जांपल कोई एक गवर्नमेंट सेक्टर का कोई क्लरिकल स्टाफ है, उसका जितना बजट में पैसा लगाया जाएगा अकॉर्डिंगली वो अपने बच्चों को एजुकेट करेगा, उतनी ही अच्छी जगह से उसकी हेल्थ एंड मेडिसिन उनको प्रोवाइड करेगा, उतना ही अच्छा रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस वो लोग ज्वाइन करेंगे। सो इकोनॉमी जो है कार्ल मार्क्स के मुताबिक मेजर इंस्टीट्यूशन है सारे इंस्टीट्यूशंस में। कॉन्फ्लिक्ट एंड हिस्ट्री मैंने आपको बताया क्या है जी, कि जब कॉन्फ्लिक्ट तभी रेज हो गया था जब हमने अपने प्रोफेशंस डिफरेंट कर लिए थे, जब चीजें फर्क हो गई थी। पेस्टोरलिस्ट जानवर पालने लग गए, हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो है वो फसलें उगाने लग गए, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट वहीं से रेज होने लग गए। माइट बी किसी एक को, किसी जब उन्होंने ट्रेड स्टार्ट की होगी, किसी को जो फायदा हुआ, किसी को कम फायदा हुआ, कुछ जो ज्यादा क्लेवर था, ज्यादा कॉन्शियस था, नोमैडिक था, एक दूसरे से दूसरी जगह मूव करता था, लोगों से मिलता था, ज्यादा ज्यादा तेजी से सोशलाइज हो रहा था, तो वो माइट बी उसके पास ज्यादा रिसोर्सेज आ गए। तो जब फिर
हिस्ट्री में क्लास कॉन्फ्लिक्ट को हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि जिसके पास जो चीज थी दूसरे की निस्बत ज्यादा है अगर, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को रेस करती है। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म वो कॉन्सेप्ट होता है, ये सिंपल आप ये सोच लीजिए हंटिंग एंड गैदरिंग का, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, इनइक्वालिटी बहुत कम थी, इक्वली शेयर किया जाता था फूड। यूजुअली कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट वो होता है, जो भी चीज प्रोड्यूस की जाती है वो आप इक्वली शेयर करते हैं। दूसरा क्या है जी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। क्लास कॉन्फ्लिक्ट दो क्लासेस हैं हमारे पास, कौन सी हैं जी, बोर्ग्यूसी और प्रोलेटेरियट, हमारी एलीट क्लास और हमारे वर्कर्स, हमारे कैपिटलिस्ट और हमारे लेबरर्स। इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो है रिसोर्सेज की, वो चाहे वेल्थ हो, पावर हो, अथॉरिटी हो, उनकी बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। क्लास कॉन्शियसनेस हम कहते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को जब क्लास स्ट्रगल बताया था कि कैपिटलिस्ट कहता है मैं कम इन्वेस्ट करूं ज्यादा कमा लूं, ठीक है, और लेबरर कहता है मैं कम काम करूं और ज्यादा कमा लूं, तो दोनों की अपनी क्लासेस को लेके जो स्ट्रगल है वो क्लास स्ट्रगल कहलाती है। और क्लास कॉन्शियसनेस क्या है कि कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट है वो कहता है कि क्या है जी, कि मैं इतना कॉन्शियस हो जाऊं कि मैं मिनिमम इन्वेस्ट करके मैक्सिमम अर्न करूं, और इसके कंट्रास्टिंग में वर्कर ये कहता है कि वो जब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है खुद को कि मैं एज अ क्लास मैंने खुद को यूनिफाइड करना है, खुद को स्ट्रेंथन करना है, खुद को यूनिक रखना है कि मैं अपने राइट्स इससे मनवा सकूं, अल्टीमेटली कम काम करके मैं ज्यादा अर्न कर सकूं, या मैं जितना काम करूं मुझे अकॉर्डिंगली उसका मिले। दो चीजें हमने डिस्कस की हैं, टेक्नोलॉजी और कॉन्फ्लिक्ट। टेक्नोलॉजी बताई है जेरार्ड लेंस्की ने, कॉन्फ्लिक्ट बताया है कार्ल मार्क्स ने। लेंस्की ने पांच सोसाइटीज की टाइप्स बताई हैं, जैसे जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, लोग जैसे जैसे कॉन्शियस होते गए, वैसे वैसे सोसाइटीज डेवलप होती गई। ठीक है जी, आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जी मैक्स फेबर को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज अभी हमने सिर्फ दो लोगों को पढ़ा है। मैक्स फेबर ने बात की थी सोसाइटी जब रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरी, किस किस तरह से सोसाइटी रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरी, ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ दो मेन सोशियोलॉजिस्ट का पढ़ाया है आप लोगों को, एक है हमारे जेरार्ड लेंस्की और दूसरे हैं हमारे कार्ल मार्क्स। वेबर का जो काम है उसको हम कल दोबारा डिस्कस करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि इन तीनों चीजों का आपस में फर्क क्या है, या वो क्या क्या चीज सोसाइटी को डिस्कस करते हुए बताते हैं। वो आइडियाज की बात करते हैं कि जितने हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होंगे, जैसे हमारे कॉन्सेप्ट होंगे हम चीजों को लेकर, जितने कॉन्शियस होंगे, जितनी चीजों की लॉजिक और रीजनिंग फाइंड करेंगे, उस तरह से सोसाइटी, उतनी ही सोसाइटी रैशनल होगी और उतना ही सोसाइटी में अच्छा चेंज आएगा। ठीक है जी, ओके जी, अब अटेंडेंस ले लें आप लोग। आप लोग एएस की अटेंडेंस हो गई है। अच्छा जी, दैट्स गुड, नैन शाबाश। माहम को भी शाबाश, क्या पता उन्होंने दियो तो मैं बस आप ही को दे रही हूँ। अच्छा, अब मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के ये रूटीन में रमजान में लेक्चर्स होते हैं हर दफा? मैम इसी दफा ही हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम हमारे, मतलब लास्ट हमारा लास्ट ही हुआ था। आई वांटेड टू आस्क कि आप लोग जब मतलब ऑफलाइन होते थे तो रमजान आप लोगों का ऑफ होता था या यूनिवर्सिटी आप लोग जाते थे? मैम लास्ट टाइम सेकंड क्लास थे तो तब भी ऐसे ही लेक्चर्स होते थे, ऑफलाइन का तो एक्सपीरियंस। अच्छा, अब कौन ये कह रहा है कि मैम शहर ने ये कहा है कि शहरी के बाद क्लास कर लें? ना करें शहर मेरे साथ ऐसे। हाँ, आप लोग चेक कर लें एक दूसरे के साथ,
एक्चुअली में इशू ये है फ्रेंकली स्पीकिंग कि मुझे सहरी के बाद बहुत नींद आ रही होती है, बहुत ज्यादा। तो मैम सहरी के बाद फौरन मार नहीं ली जाती, मैम हमने नहीं लेना सहरी के बाद लेक्चर। हां बस सही है मैम, हम सहरी के बाद हो ही नहीं सकती, सहरी के बाद नमाज के बाद तो वैसे ही बंदा कुरान मजीद पढ़े या सो जाए तो फिर क्लास कहां से होगा। एग्जैक्टली मैम ईशा के बाद रख ले। क्या करना है बच्चा, आप लोग तो नहीं, मेरे ख्याल से मेरे लिए बोलना ज्यादा मुश्किल है, आप लोग तो सुन रहे होते हैं सॉरी टू से, क्योंकि मैं अब सुबह इवनिंग की क्लास ली है और अभी आप लोगों की इसके बाद मेरा 3 घंटे का प्रैक्टिकल है बायो साइंस के साथ। तो क्या है जी कि मेरा जी 3 घंटे तो सोशियोलॉजी में कोई आप लोगों के केमिकल्स तो होते नहीं जो मैं दे दूं कि आप लोग करते रहे, वो इंटरेक्ट ही करना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है। तो क्या है जी उसमें ये है कि मेरी सारी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि मैं रमज़ान में कोई काम कर रही हूँ। मैंने अपनी सारी लाइफ में हमेशा रमज़ान को बस इंजॉय किया, सिर्फ सोती हूँ उठती हूँ नमाज पढ़ती हूँ फिर सो जाती हूँ फिर उठती हूँ बस। तो मेरे लिए ये आप सबसे ज्यादा मुश्किल एक्सपीरियंस है कि आप लोगों को पढ़ाना, तो लेकिन आप लोग देख लें सहरी में ना रखें प्लीज, बाकी जो टाइम आप लोगों को बेहतर लगता है वो रखें, वो मुझे मसला नहीं है। लेकिन असर के बाद का इससे भी लेट नहीं करें क्योंकि उस टाइम में भी थक जाता है इंसान। जी तो आप क्या कह रही हैं, असर के बाद फिर अवतारी का टाइम हो जाता है, सहरी के बाद वैसे नहीं बढ़ा जाता, बिल्कुल के बाद वैसे होता है कि बस फिर तरावी पढ़े और सो जाए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ठीक है। मेरे से अगर आपको पूछेंगे तो मैं हर टाइम में एग्जॉस्टेड हूँ ठीक है, तो लेकिन पढ़ाना है ये जरूरी है। तो हमें आप बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है, बस अल्लाह ताला हमें इस्तकामत दें हिम्मत दें कि हम इससे फायदा उठा सकें। तो कोई नहीं, थोड़े से दिन है जी बख्तावर। अच्छा ठीक है, मैं इस पे देख लूंगी, मैं गौर कर लूंगी, मैं आप लोगों को बताऊं जो सिलेबस मेरे साथ आपके डिपार्टमेंट ने शेयर नहीं किया, लेकिन सोशियोलॉजी का यूजुअली जो सिलेबस होता है उससे हम बहुत पीछे हैं। हमारा ये 4th वीक है लेकिन हमने बहुत कम चीज़ें अभी तक पढ़ी हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने अभी रुवास में ही बीबीए को जब पढ़ाया था तो हमने 3rd वीक में सोसाइटी का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। शायद मैं तब स्टूडेंट्स को इतना एक्सप्लेन नहीं करती थी या रियल लाइफ एग्जांपल्स हम कम डिस्कस करते थे, बिजनेस से रिलेटेड उनकी थोड़ी सी एग्जांपल्स होती थी और मैं लेक्चर कंटिन्यू रखती थी, लेकिन हम तब कर चुके थे। मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ, हम अभी थोड़ा सा पीछे हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके भी परेशान हूँ कि ये अगर हमारा कोई 1-2 वीक्स भी अगर निकल गए किसी पब्लिक हॉलीडे में, अगर हम मेकअप नहीं कर पाएंगे तो शायद हम सिलेबस कंप्लीट ना कर पाए। तो मैं ट्राई करूँगी कि मटीरियल कम रखूँ। अभी मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं स्लाइड्स बहुत ज़्यादा ना बनाऊँ, कम रखूँ, मटीरियल कम लिखूँ। तो ऐसा ही है, मैं इसको मज़ीद कम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए और आसानी हो। और दूसरा सोसाइटीज़ का चलें जो मैंने जी 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 जमीला बताएं। मैं आपको बताऊँ, आप लोगों के लिए मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये हैं सारी हमारी सोसाइटी की बड़ी आम सी बातें जो जहाँ तक मुझे लगता है, या शायद ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इस वजह से हर तरह से इसको अच्छा साबित करने की कोशिश करती हूँ। तो क्या है जी कि ये कोई इतनी आम सी बातें हैं, एग्जैक्टली वैसे लगता है ये चीजें हमें पता है हम क्यों रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
ये लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि हमें कुछ पता ही नहीं था लेक्चर के टाइम पे। ये लेक्चर के टाइम पे ये लग रहा होता है कि ये सारी चीजें देखें, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के बारे में हमें पता है। चले आप इसकी स्टेजेस से नहीं अवेयर होंगे वो पता चल गया, लेकिन जब एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी पड़ती है ना, मैं कभी भी आपको एज इट इज डेफिनेशन का नहीं कहूंगी कि आप किसी ऑथर की ही लिखें, आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको लिखें, लेकिन आपसे वो लव्स नहीं मिलते। ज्योग्राफिकल एरिया कैसे, कॉमन इंटरेस्ट कैसे, हुई फीलिंग्स कैसे, कॉमन कल्चर कैसे शेयर, ये सारी चीजें आप कलेक्टिव कभी भी नहीं लिख पाते। सो फिर यहाँ पे मसला होता है। ठीक है, मैं मटेरियल कम रखने की कोशिश करूंगी, इसको मजीद आसान करती हूँ। मैंने एक्चुअली मैं लेक्चर्स किए हुए डिजाइन पहले से, अब मैं सोसाइटी का लेक्चर फिर आप लोगों के लिए रीडिजाइन कर लेती हूँ, वो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आगे वाला, उसको मैं इजी कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो समझ आए, आप लोग इसमें परेशान नहीं हो कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैडम क्या कर रही हैं हमारे साथ। ठीक है जी सना मैम, हम स्लाइड से कर लेंगे हमारा पेपर टाइप, मतलब हम लोग कवर कर लेंगे अगर अच्छे ग्रेड्स चाहिए। एग्जैक्टली आप सब कर लेंगे। अब मैं आप लोग, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो हम ये बात ग्रुप में करेंगे। मैंने अभी बीबीए के स्टूडेंट से भी यही कहा था कि आप लोग क्या करें, बुक्स जो हैं, मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि आप लोग सिर्फ स्लाइड्स को पढ़ के उसी को फोकस करके एग्जाम को पास कर लें। सोशियोलॉजी आप लोगों को पढ़ाने का क्या मकसद है कि बीइंग एन इंडिविजुअल जब आप सोसाइटी में मूव करेंगे तो आप लोगों को सोसाइटी में होने वाले फंक्शंस का जब पता ही नहीं है तो आप इस सोसाइटी के लिए एक अच्छा इंडिविजुअल होते हुए उसके सोसाइटी उस सोसाइटी को किस तरह से फायदा पहुंचाएंगे। इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का सिर्फ इतना सा मकसद है। इसमें जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी अब तक हमने पढ़ा है, सारा कल्चर हमने पढ़ा है। अगर हम ऑफलाइन होते तो हम कल्चर पे जब प्रैक्टिकली वर्क करते, हम क्लास में से कोई ग्रुप डिसाइड कर लेते हैं जो कल्चरल ड्रेसेस वेयर करते हैं और हम उसमें से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं तो वो बड़ा आसान होता है। यूजुअली जब सोशियोलॉजी हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चूंकि ऑनलाइन है, मैं खुद फंसी हुई हूँ तो मैं आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन आप लोगों से नहीं कर पाती, ये है इशू। तो स्लाइड्स अगर तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आप लोगों के, वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस ही होंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी है। स्लाइड्स भी नहीं, आप लोग मेरे लेक्चर्स अगर ले रहे हैं तो आप लोगों को उसी से ही समझ आ जाएगी। एक कहानी भी आप लिख देंगे एग्जाम में तो काफ़ी होगी। मैं अगर आप लोगों से स्टेजेस पूछ लेती हूँ तो वो स्टेजेस आप एक कहानी की तरह लिख देंगे कि ऐसे 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 होता होता है हम यहाँ पे हैं, तो दिस इज मोर देन इनफ। सोशल साइंसेस में मैं जब बात करती हूँ तो मैं कभी भी नहीं कहती कि ये गलत है ये सही है। रेलिवेंट, लीस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट रेलिवेंट होती हैं चीज़ें। हो सकता है मैंने जो स्लाइड्स में लिखा वो मोस्ट रेलिवेंट हो, आप लोग जो लिख रहे हैं वो लीस्ट रेलिवेंट हो, तो आप लोगों को लीस्ट रेलिवेंट के अकॉर्डिंगली मैं मार्किंग कर दूंगी। बस थोड़ा सा ये ट्राई करें लेक्चर्स में उसको थोड़ा सा गौर से सुन लें, मेंटली प्रेजेंट हों तो चीज़ें आप लोगों के लिए आसान रहेंगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगी। ठीक है जी, अटेंडेंस हो गई है तो आप लोगों की यहाँ लेनी है आपने। ठीक है जी, क्लास अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा मुझे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।